Question number 56. Consider the potentiometer circuit arranged as in figure. The potentiometer wire is 600 cm long. A. At what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? And B. If the jockey touches the wire at a distance of 560 cm from A, what will be the current in the galvanometer? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका टोटल लेंथ दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर, टोटल रेजिस्टेंस आर जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 15 R, जो कि आर यहां पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, ईएमएफ ई है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक बैटरी ईएमएफ ई बाई टू वैल्यू का, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर इस तरह से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है ये जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है इस पर आपको एक ऐसा पोजिशन बताना है, मतलब किस जगह पे, या फिर कहें कि ए से कितनी दूरी पे या बी से कितनी दूरी पे कहाँ पे इस जॉकी को हम कनेक्ट करेंगे सो डैट कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मान लेते हैं ये जो जॉकी है इसको सपोज कीजिए हम यहाँ पर ये जो ए पॉइंट है इससे हम एक्स डिस्टेंस पे हम टच कर दिए, जाहिर सा बात है ये जो लेंथ आपका बच गया इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, चूंकि टोटल लेंथ एल है। चलिए, तो फाइनली कहने का मतलब है कि हम लोगों को एक्स का वैल्यू निकालना है, ए पार्ट की बात कर रहे हैं। अब जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन है अब इसको आप सिंपल एक सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सर्किट में भाई कि अब यहाँ पे एक बैटरी ए में ई वैल्यू का, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पे, अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस जो है इसको दो पार्ट में आप कन्वर्ट कर दीजिए, इस तरह से रीड्रॉ कर लिए हम लोग, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका पॉइंट मान लेते हैं, ये जो पॉइंट हम इसको कनेक्ट किए हैं लेट दिस पॉइंट इज एम, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट एम हो गया। अब सिंपल ये आपका सर्किट हो गया, ठीक है। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा वो वैल्यू हम लोग लिख देंगे, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा जैसा कि हमेशा हम लोग पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, चलिए इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, 15 R है, टोटल रेजिस्टेंस आर है, टोटल लेंथ एल है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल लेंथ का भाई रेजिस्टेंस आर है, तो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एल, ठीक है। तो एक्स लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो एक्स लेंथ के लिए एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस इतना, तो एक्स लेंथ के लिए एक्स से मल्टीप्लाई, मतलब इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा एल बाई एल इंटू एक्स, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ है एल माइनस एक्स, तो एल आर बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब ये सिंपल सर्किट हो गया, पोटेंशियोमीटर से आपको लेना देना नहीं है भाई, सिंपल अब ये सर्किट है आपके पास इस तरह से, ये आपका यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, इधर रेजिस्टेंस बैटरी आपका लगा हुआ है, पूछ रहा है कि करंट इधर फ्लो नहीं कर रहा है तो एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। भाई इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि मान लिया इधर से आई करंट डिलीवर हुआ, तो ये आई करंट, ये टोटल आई करंट आपका इधर चला जाएगा, ये टोटल आई करंट आपका इधर चला गया। देखिए, तो एक सर्किट तो हमारे लिए क्या हो गया, सिंपल टोटल रेजिस्टेंस आर है, टोटल रेजिस्टेंस आर है ना, यही आर को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आर है, तो ये जो आई करंट जो फ्लो कर रहा है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गया, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा ना, सिंपल ओम्स लॉ है, सिंपल सर्किट है, टोटल रेजिस्टेंस ये आर है, एक रेजिस्टेंस है आर, दोनों सीरीज में है, आर प्लस आर, ठीक है। तो मतलब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, ये जो टोटल रेजिस्टेंस आर है ये इनफैक्ट 15 R के बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो गया 15 R प्लस आर, ये पहला इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और इक्वेशन क्या कहाँ से मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस है, हम लोगों को फाइनली एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा, ई बाई टू के बराबर होगा, क्लियर है ना, चूंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसके अक्रॉस डायरेक्टली अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो सिंपल ये ई बाई टू के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है एक दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ई बाई टू इक्वल्स टू ई बाई टू, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ई बाई टू, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना होगा, आई आर, तो आई इन टू, ये रेजिस्टेंस कितना है, आर बाई एल इन टू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, एक इक्वेशन यहाँ से मिला हुआ है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और आपका मैक्सिमम टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा, ये आई का वैल्यू लिख देंगे ई डिवाइडेड बाई 16 R, ठीक है, इन टू आर, आर के जगह 15 R लिख देते हैं,
15 R लिख देते हैं डिवाइडेड बाई L का वैल्यू, L का वैल्यू दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर, 600 इंटू एक्स, और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये x का वैल्यू 320 सेंटीमीटर, मतलब कि पॉइंट ए से 320 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये टोटल डिस्टेंस 600 है, 320 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा, यहाँ पर जब इसको जॉकी को कनेक्ट करेंगे तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और इससे थोड़ा भी पहले या थोड़ा भी आगे कहीं अगर हम इस जॉकी को कनेक्ट करेंगे तो इस पाथ में करंट फ्लो करने लगेगा। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसके बी पार्ट को। स्टूडेंट तो इसके बी पार्ट में कह रहा है कि अगर जॉकी को हम ए से 560 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट करते हैं तो उस केस में इससे कितना करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में देखा था कि अगर इससे 320 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट करते हैं तो इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन आपको बताएं कि भाई इससे अगर थोड़ा भी पहले या थोड़ा भी आगे अगर हम कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट का फ्लो होगा। तो वही इतना सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे करेंगे तो कितना करंट फ्लो होगा ये हम लोगों को निकालना है भाई। तो सिंपल अगेन, अब क्या है कि यहाँ पे आपको लेंथ भी दे दिया गया है, टोटल लेंथ भी पता है, तो इस 560 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब AM का, AM आर एम, इस सेक्शन का कितना डिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना हो गया आर बाई 600, टोटल डिस्टेंस आर है, लेंथ है 600, इंटू 560 से मल्टीप्लाई करेंगे आर, ये इतना आ गया, आर का वैल्यू 15 R आपको दिया हुआ है, मतलब इतना पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया 14 R। अब यहाँ से आप आर एम भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उतना ज़रूरत भी नहीं है भाई, टोटल डिस्टेंस है 15 R, ये 14 R है, तो ये रेजिस्टेंस कितना आएगा आर आएगा। अब सिंपल मतलब इस सर्किट को हम रीड्रॉ कर दिए, ये आर ए एम के बीच में रेजिस्टेंस कितना है 14 R वैल्यू का, एम बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है आर वैल्यू का। क्लियर है? सिंपल सर्किट हो गया। यहाँ से मान लेते हैं आई वन करेंट अगर डिलीवर हुआ, आई वन करेंट तो करेंट यहाँ पे डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर वाले पाथ में यहाँ पर आई टू करेंट इधर गया, तो इधर कितना जाएगा आई वन माइनस आई टू जाएगा। आई टू का हम लोगों को वैल्यू निकालना है कि कितना करेंट फ्लो करेगा। सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई, दो लूप है, वन और टू, दोनों में हम लोग के वी एल किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकेंड लॉ आप कहिए हम लोग अप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं आप इन लूप वन, लूप वन में हम लोग अगर इस तरह से मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ध्यान दीजिएगा कहीं से भी आप शुरू कीजिए, चलिए मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस लूप में हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखेंगे, प्लस साइन लेंगे, आई वन माइनस आई टू इतना करंट फ्लो कर रहा है, इंटू 14 R, इसके क्रॉस पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, सारे के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ऐड करके इक्वल टू 0, यही है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो प्लस ही साइन लेंगे, प्लस आई वन इंटू आर, इससे आई वन करंट फ्लो किया, दोनों मिलके फिर यहाँ पे आई वन हो गया, तो आई वन आर हो गया। आगे बढ़े, करंट ऐसे मूव कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं, तो फिर प्लस साइन लेंगे, आई वन इंटू आर। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बैटरी का हमको नेगेटिव टर्मिनल मिला, तो नेगेटिव मिला तो माइनस ले लेंगे, माइनस ई, इसका ई एम एफ इक्वल टू 0। यह तो सिंपल कंसेप्ट है, इसको सॉल्व किए पहला इक्वेशन मिल गया। उसी तरह दूसरे लूप में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से शुरू किए, आगे हम इस तरह से बढ़ रहे हैं भाई, इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो बैटरी का हमको पॉजिटिव प्लेट मिलेगा, इसलिए प्लस लेंगे, तो ई बाई टू हो गया, प्लस ई बाई टू। आगे बढ़े, करंट इसमें आई टू करंट फ्लो कर रहा है, हम भी ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट भी ऐसे, तो प्लस आई टू आर हो गया। आगे बढ़े इस लूप में, हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, करंट इस रेजिस्टेंस में इस डायरेक्शन में, मतलब मेरे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब हम माइनस साइन ले लेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस, माइनस ये आई वन माइनस आई टू इतना करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस 14 R, मतलब इतना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस हो गया, इक्वल्स टू 0। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, इसको सॉल्व किए, दो इक्वेशन मिल रहा है आपको, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आई टू करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इसका वैल्यू इतना आ जाता है।